Assalamu alaikum, 10th class. Here we have types of neurons. Neurons और nerve cells की जो types हैं उनको हम discuss करेंगे आज, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि neuron जो है उसको कितनी types पे divide किया गया है. तो जो neuron की division है that was on the basis of its function, यानी फंक्शन के हिसाब से उसको आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया. तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन न्यूरॉन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. सेंसरी न्यूरॉन्स, यानी वो वाले न्यूरॉन्स जो सेंसरी फंक्शन प्ले कर रहे थे उनको उन्होंने सेंसरी न्यूरॉन्स का नाम दे दिया. देन हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स, यानी इंटर का मतलब होता है जो बिटवीन हो दो न्यूरॉन्स के बीच में, सेंसरी और फिर थर्ड वाला मोटर के बीच में जो काम करेगा उसको हम कहेंगे इंटर न्यूरॉन, ठीक है? और इसी तरह से हमारे पास फिर ये मोटर न्यूरॉन है. मोटर न्यूरॉन वो वाला न्यूरॉन जो इफेक्टर के पास, यानी जो मूवमेंट, जो एक्शन वाला काम करवाता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास हम इनको एक वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं. और यहाँ पर हमारे पास है जी सेंसरी न्यूरॉन. ये इसकी डायग्राम है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है सेंसरी न्यूरॉन का. सेंसरी न्यूरॉन्स कंडक्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन, यानी नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंसरी है, कौन से हैं? नाम से जाहिर है कि ये सेंसरी है, सेंस वाला काम कर रहे हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन को कहाँ से कंडक्ट करते हैं? फ्रॉम सेंस ऑर्गन हम कहते हैं जिसको, यानी सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक है? इसमें आपकी स्किन, आपके कोई भी ऑर्गन जो कि रिसीव कर रहे हैं बेसिकली स्टिमुलाई, वहां से स्टिमुलाई को डिटेक्ट करके, या मैं कहूंगी कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देते हैं, ठीक है? उसके अलावा हम कहेंगे कि सेंसरी न्यूरॉन्स हैव वन डेंड्राइट इन वन एक्सोन. अभी आपको नजर आ रहा है कि एक ही डेंड्राइट इसमें से निकल रहा है और एक ही एक्सोन, एक्सोन वाज विच वाज कमिंग फ्रॉम सेल बॉडी, ठीक है? तो इसके पास एक ही एक्सोन होगा और एक ही डेंड्राइट होगा. डेंड्राइट और एक्सोन का पहले आपको मैं बता चुकी हूँ कि क्या होते हैं. और अब आपको इतना इसमें याद रखना है कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करते हैं, वाइल नेक्स्ट टाइप इज अबाउट इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है? बेसिकली ये वाले जो न्यूरॉन्स हैं ये स्पाइनल, ये फॉर्म करते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये इंटरकनेक्शन वाला काम करते हैं. तो इनका सबसे पहला काम क्या होता है कि रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को, फिर इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है? और फिर स्टिमुलेट करते हैं मोटर न्यूरॉन्स को. यानी इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, वो ये है कि ये क्या करते हैं, रिसीव करेंगे पहले रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन को, ठीक है? और फिर वो वाली इन्फॉर्मेशन को ये आगे फर्दर किसको देंगे? इफेक्टर को, ठीक है? यानी मोटर वाले जो हमारे पास न्यूरॉन्स हैं और रिसेप्टर पे वो वाले काम कर रहे थे जो सेंसरी थे, ठीक है? अब ये खुद कौन से हैं? इंटर न्यूरॉन्स. इंटर न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है कि ये यहां से इन्फॉर्मेशन लेंगे और यहां तक लेके जाएंगे, यानी ये कोऑर्डिनेशन या कनेक्शन वाला काम करते हैं, लिंक वाला काम करते हैं, ठीक है? अब इनके पास मैनी डेंड्राइड्स और एक और एक्सोन भी मैनी होते हैं. उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये सेंटर में है, इसने यहां से इन्फॉर्मेशन लेनी है, यहां पे देनी है, इधर से इन्फॉर्मेशन आएगी, इधर जाएगी. तो ये बिल्कुल ऐसे एक कम्युनिकेटर के तौर पे काम करता है. तो इसलिए इसके पास ये आप देख सकते हैं, इट हैज मैनी डेंड्राइड्स एंड मैनी एक्सोन्स बिकॉज इट्स फंक्शन इज कनेक्शन बिटवीन, टू जनरेट या क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स, यानी रिस्पॉन्स को लेकर इफेक्टर तक का जो काम है वो सारा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है. देन वी हैव मोटर न्यूरॉन्स. दीज न्यूरॉन्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरियंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स टू मसल और ग्लैंड. यानी मसल और ग्लैंड से यहाँ क्या मुराद है? ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर है मोटर न्यूरोन का. तो बड़ा वेल डिफाइन इसका स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसका काम भी बड़ा वेल डिफाइन है. उसकी वजह क्या है, ऐसा ये क्यों करता है? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है इंटर न्यूरॉन से लेकर इफेक्टर मसल्स ग्लैंड जिन्होंने रिजल्ट या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाना है, तो ये वहां तक जाता है अपना जो इसके जो मैसेजेस होते हैं उनको ये इफेक्टर्स तक लेकर जाएगा. जैसे आप देख सकते हैं कि इसके पास डेंड्राइट्स तो बहुत सारे हैं क्योंकि इसकी कलेक्शन ज्यादा होती है, लेकिन एक्सोन एक ही है क्योंकि इसने इफेक्टर के पास
अपना एक्शन प्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। ओके, फिर हम ये देखते हैं कि न्यूरॉन्स को हमने कहा कि वो फंक्शन के बिहाफ पे थ्री टाइप्स उनकी हैं। इसी तरह से हमारे पास नर्व्स जो हैं उनकी भी टाइप्स हैं, और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेसिकली नर्व क्या है, ठीक है। अ नर्व मीन्स द यूनियन ऑफ सेवरल एक्सोन्स, बहुत सारे एक्सोन्स जब इकट्ठे होते हैं तो वो नर्व बनाते हैं। That is enveloped by a covering made up of lipid, यानी आप यूं कह सकते हैं कि let's say ये बहुत सारे एक्सोन्स इकट्ठे होते हैं और यूनियन ऑफ सेवरल एक्सोन्स हो गई, ठीक है, और उसके ऊपर एक जो कवरिंग होगी, ये कवरिंग है let's say this covering is made up of lipid, तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, नर्व है। समझ आ रही है कि यूनियन ऑफ सेवरल एक्सोन्स, जिसमें बहुत सारे एक्सोन्स इकट्ठे होके बनाएंगे नर्व, और उसके ऊपर लिपिड की एक लेयर होगी, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सोन, एक्सोन किस तरह के हैं, ठीक है, नर्व्स आर क्लासिफाइड फर्दर इनटू थ्री मेन टाइप्स। ओके, द फर्स्ट वन इज सेंसरी नर्व्स। अब इसको सेंसरी नर्व क्यों कहेंगे, ठीक है, ये देखिए, यहाँ हमने कहा कि प्रॉपर्टी ऑफ एक्सोन, बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टी ऑफ एक्सोन, विच मीन्स कि उसके पास जैसे एक्सोन्स होंगे वैसी ही टाइप होगी नर्व की, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास ये जो पहली टाइप है सेंसरी नर्व्स, हमने कहा कि इसके पास ये कंटेन करता है वो वाले एक्सोन्स जिनके पास सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन का एक्सोन इसमें मौजूद होता है, सो फॉर दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सेंसरी नर्व्स। इस बात को इस तरह से समझेंगे कि इसका जो फंक्शन है वो भी सेंसेस के साथ है, यानी सेंसरी रोल है। नेक्स्ट इज मोटर नर्व्स। अब इसके पास भी, क्योंकि इट वॉज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सोन, सो द एक्सोन्स विच आर कमिंग फ्रॉम मोटर न्यूरोन्स आर यूनाइटेड टू फॉर्म नर्व विच इज कॉल्ड एज मोटर नर्व। मोटर नर्व उसको क्यों कहेंगे, क्योंकि ये कैसे बन रहा है, इसको मोटर न्यूरोन के एक्सोन बना रहे, ठीक है। फिर हमारे पास है मिक्स्ड, मिक्स्ड वाला बिल्कुल ऐसे होगा जैसे हमारे पास इंटर न्यूरोन था, इंटर न्यूरोन यानी दोनों के बीच वाला जो था, तो मिक्स्ड है, नाम से जाहिर है कि ये मिक्स होगा। अब इसके पास दोनों एक्सोन होंगे, कौन से दोनों, सेंसरी और मोटर। मोटर वाले के पास मोटर वाले नर्व के पास एक्सोन्स थे मोटर न्यूरॉन के, और सेंसरी वाले के पास एक्सोन्स थे सेंसरी न्यूरॉन के, जबकि मिक्स्ड वाले के पास इन दोनों के न्यूरॉन्स हैं, मिक्सचर है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, मिक्स्ड नर्व्स है, ठीक है। So this was the all about today's lecture. और कोई अगर आपको confusion हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तो you can ask.